हेलो बच्चों लेट्स सी द क्वेश्चन द क्वेश्चन इज द रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ रूट थ्री इज तो बच्चों फैक्टर क्या होता है एक ऐसा फैक्टर जिसको मैं अगर रूट थ्री से मल्टीप्लाई करूं तो रूट थ्री इेशनल से रैशनल बन जाए रूट थ्री कन्वर्ट हो जाए रैशनल नंबर में जैसे अगर मैं इसको लिखूं तो रूट थ्री इजिंग फैक्टर इज इक्वल टू रैशनल नंबर तो एक ऐसा फैक्टर जिसको मैं रूट थ्री से मल्टीप्लाई करूं और वो रैशनल बन जाए तो ऐसा फैक्टर कौन सा होगा सबको मल्टीप्लाई करके देखो अब माइनस रूट थ्री है माइनस रूट थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस थ्री आएगा जो कि रैशनल है लेकिन लेकिन यहां पे वन बाय रूट थ्री से करेंगे तो वो भी कट के रैशनल बन जाएगा लेकिन हम एक सिंपलेस्ट फैक्टर की फॉर्म में इसको हम देखेंगे सिंपल नेगेटिव नहीं लगाना डिनोमिनेटर में कोशिश करना है कुछ नहीं रहे तो एक इसको, हम इसको सोचें तो रूट थ्री को मैं अगर रूट थ्री से ही मल्टीप्लाई करूं तो यहां पर रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा जिसे हम थ्री बोलेंगे तो ये ए ऑप्शन है लेकिन यहां पे माइनस नहीं आएगा अब आप कहोगे सर माइनस रूट थ्री से भी मल्टीप्लाई करने पे रैशनल नंबर बन रहा है सही बात है तो इसका आंसर ए भी हो सकता है है ना उसके अकॉर्डिंग तो बी भी हो सकता है सी भी हो सकता है डी भी हो सकता है लेकिन एक ऐसा फैक्टर जो एक ऐसा फैक्टर जिसको मल्टीप्लाई करने से वो रैशनल बन जाए और रूट थ्री को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो रूट थ्री की ही फॉर्म में रहे है ना समझे मैंने क्या बोला मैंने ये बोला कि एक ऐसा फैक्टर जो सबसे सिंपल हो माइनस में ना हो डिनोमिनेटर में रूट ना हो रूट थ्री को किससे में मल्टीप्लाई करूंगे वो रैशनल में सबसे सिंपली अगर मैं सोचूँ तो रूट थ्री को रूट थ्री से ही मल्टीप्लाई करने पे रैशनल नंबर आ रहा है समझे मैंने क्या बोला है ना रूट थ्री को रूट थ्री से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रैशनल नंबर आएगा आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन थैंक यू सो मच